वारंगल से जगहित आई करता चला निर्वति अगुआई वचनबद्ध प्राप्त वरदान अनुकूल ध्वनि जब सुना न काना लखा पलट जो दिव्य उजाला हो गया शीला खंड तत्काला तेही अवसर नित भैरो तत्पर चरण चिन्ह द्वय अंकित प्रस्तर डंगनी संकनी संगम पावन भव्य धाम स्थित मन भावन ऐसे आन बसी दंडक वन माता कलिमल जोक न सावन इंद्र जाल सब जादू टोना रोग शोक यम से रखवाली निरखत कापे नाम दिठौना भूत पिशाच शत्रु बलशाली। अब हर साल नवरात्र के मौके पर लाखों भक्त कोई पैदल कोई घुटने के बल माता के दर्शन करने आते हैं। कोई संतान प्राप्ति की मन्नत तो कोई नौकरी लगाने की मन्नत लेकर माता के मंदिर आते हैं। दंतेवाड़ा में माँ दंतेश्वरी 64 योगिनी के साथ विराजती हैं। उनमें से जो दो योगिनी देवियाँ हैं वे संकनी और डंगनी के नाम से प्रचलित हैं, जो मंदिर के पीछे नदी के रूप में प्रवाहित होती हैं। युदंती है कि मंदिर के पुजारी को संकनी डंकनी योगिनी देवी ने एक दिन सपने में दर्शन दिया। देवियों ने पुजारी को दोनों नदियों में पूजा अर्चना करना शुरू करने को कहा और कहा कि पूजा अर्चना के बाद मछुआरे से नदी में आखेट कराएं, वहां आपको शंख और बाजे के रूप में हमारे दर्शन होंगे। सुबह उठकर पुजारी ने दंतेश्वरी मंदिर संगम तट पर संकनी डंकनी नदी में मछुआरे से आखेट कराया। उन्हें संकनी नदी से शंख और डंकनी नदी से बाजा मिला, जिसे पुजारी ने मां दंतेश्वरी मंदिर में लाकर विधि विधान पूजा अर्चना कर विराजमान किया। इसी वजह से मां दंतेश्वरी मंदिर के पीछे संगम तट का नाम संकनी डंकनी नदी पड़ा। ये शंख और बाजा आज भी मंदिर में पूजे जाते हैं। नदी किनारे अष्ट भैरव निवास करते हैं। नदियों का संगम स्थल पर भगवान भैरव के पैरों के निशान मौजूद हैं। यहाँ आसपास को तांत्रिकों की स्थली कहा जाता है। आसपास के पहाड़ी गुफाओं में गुप्त रूप से बहुत से तांत्रिक तंत्र विद्या की साधना कर रहे हैं और गुप्त रूप से वे माँ के दर्शन करने आते हैं। दंतेश्वरी मंदिर में हर 3 वर्ष के अंतराल में नर बलि समारोह आयोजित किया जाता था। 200 साल पहले तक यानी 1883 तक यहाँ नर बलि होती थी, जिसमें जिंदा इंसानों को मार दिया जाता था। 19वीं शताब्दी में दंतेश्वरी मंदिर पर 15 मनुष्यों 10 भैंसे और 600 बकरों की बलि चढ़ाई गई थी, जिसमें कुंवारी कन्या से लेकर वयस्क पुरुषों तक सब शामिल थे। 23 सितंबर 1825 में अंग्रेज अफसरों ने गुप्तचर भेजकर नरबलि समारोह की पूरी रिपोर्ट मंगवाई थी। रात 12 बजे गुप्तचर तथा कुछ व्यक्तियों ने दंतेश्वरी मंदिर में छिपकर नरबलि का रहस्यमय और भयानक दृश्य देखा था। घटना स्थल पर तत्कालीन चालुक्य नरेश उपस्थित थे, नगाड़े बज रहे थे, शंखनाद हो रहा था। मंदिर के सामने हवन कुंड था। हवन कुंड के सामने कतार में 15 मनुष्य खड़े कर दिए गए थे। जल्लाद आया और अपने तेज हथियार से एक एक कर 15 मुंड हवन कुंड में उतार दिए और 10 भैंसे 600 बकरों की बलि दी गई। अंग्रेजों ने जब इस प्रथा को सुना तो उनके सुपरिटेंडेंट कैप्टन गेविन आर कॉफर ने मंदिर की यह प्रथा बंद कराई, जिसका विरोध शुरुआत में देखने को मिला था, लेकिन धीरे धीरे यह पूरी तरह बंद हो गई। किंवदंतियों की माने तो पूर्व में नर बलि और फिर रियासत काल में भैंस की बलि दी जाती रही है। नवरात्रि में पंचमी तिथि को मुख्य पुजारी अपने करीबी सहयोगियों के साथ आधी रात को गुप्त पूजा करते हैं। आधी रात को होने वाली इस पूजा में अन्य लोगों का मंदिर में प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। गर्भगृह के सामने भैरवी यंत्र स्थापित हैं। अष्टमी के दिन यहाँ तंत्र पूजा करते हैं और मोंगरी मछली की बलि दी जाती है।